मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई। क्यों उधर परेशानी बहुत ज्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बच्चे हैं उसको भी लौट आए इंडिया। फिर कल ऐसा हालात हुए कि आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में रुकना पड़ा, वापस गुरुद्वारे जाना पड़ा, क्या हुआ था? आपको पता है जो एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे हर एक गेट में 5,000-6,000 बंदा खड़ा है और उधर परेशानी ये थी जो हमें टाइम ना मिला जो हम अंदर जाए। मगर हम उस टाइम फिर एक तालिबान के लोग भी आए, हमें परेशान किया, फिर हम भागे उधर से। फिर ये गुरुद्वारे जो हमारे इंडियन भाई थे वो भी परेशान बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उधर अब निज़ामी हालात है, कुछ पता नहीं है अच्छा बंदा कौन है बुरा बंदा कौन है कुछ पता नहीं लग रहा। फिर हम कोशिश की निकले, फिर रात को 8 बजे थे कि हम जो VIP दरवाज़ा एयरपोर्ट का है उधर से हम तालिबान के कितने लोगों ने आपको रोका था, क्या कहा था वो, क्या कहना चाहते थे, कागजात आप लोगों के चेक किए? नहीं, तालिबान तो हमेशा में कहते हैं तुम अफगान हो, अफगानिस्तान में रहो, आपकी सब कुछ सुरक्षित हमारी जिम्मेवारी है। मगर हम अब देख रहे हो कि उस तालिबान में भी एक गुरोह नहीं है, हजार किस्म तालिबान है, किस किस से बात करें किस से ढूंढें, तब तक हालात ना बने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश की जो क्योंकि अफगानिस्तान के हालात अब सीरियस है, हम जाएं अफगानिस्तान से कोई जेड़े मुल्क में भी हो, हमारे बच्चे फैमिली और हम उधर MP थे, हमारे घर में आए थे, हमारे गांस कागजात कंप्यूटर गाड़ी सब कुछ लेके गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना था। आप जाएंगे ऐसा आप रोइए मत सर। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान का हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। निश्चित रूप से एक जो आदमी पब्लिक सर्विस में रहा हो जिसने अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद के लिए की हो, अभी भी आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि आपके साथ साथ और लोग भी आ पाए, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अभी 200 से हिंदू भाई फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है। मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है कुछ कुछ नहीं है। किस्म किस्म तालिबान है, किस्म किस्म लोग हैं, किस किस से लड़ें किस किस से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे उनके साथ जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर था या हम फ़ोन किया था उन्होंने कि आप बैठो सुरक्षित हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तालिबान चाहिए जो चाहिए गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए हम कर सकते हैं आपको दे, मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है क्योंकि उसमें कई किस्म किस्म लोग हैं। और 5-7 दिन से 10 दिन से गुरुद्वारा ही लोगों का घर बन गया था? हाँ जी, सारे संगत गुरुद्वारे में है और गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चालान है, कोई हमारे और सेवादार जो है उधर बैठे हुए हैं, सब कुछ कमरे हैं गुरुद्वारे में, सब कुछ है, लंगर 24 घंटे उधर। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एयर फोर्सेस, हरीत सिंह चंदोक फॉर लिफ्टिंग अस फ्रॉम काबुल एंड सेविंग माय लाइफ। आई अलॉन्ग विद अदर इंडियन एंड अफगान्स आर ऑन वे टू दिल्ली।